नींद में अर्जुन बन रही थी 2 साल की मासूम, तो चाची ने उतार दिया मौत के घाट, फिर जो किया उसे जानकर चौंक जाएंगे आप। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपनी 2 साल की भतीजी का गला घोट कर केवल इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि बच्ची के रोने के चलते वह सो नहीं पा रही थी। ये घटना सोमवार को हनुमानताल पुलिस थाना इलाके के तहत आने वाले राजीव नगर क्षेत्र में हुई। पुलिस ने अपराधी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हनुमानताल पुलिस थाने के प्रभारी एम द्विवेदी ने बताया कि मोहम्मद शकील की 2 वर्षीय बेटी दोपहर में लापता थी। वह काफी खोजने के बाद भी नहीं मिली, तो परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, मगर इसमें भी कुछ नहीं मिला। तत्पश्चात पुलिस ने पिता के घर में ही बच्ची की तलाश शुरू कर दी, तो मासूम का शव सोफा सेट के नीचे मिला। पुलिस ने बताया कि शकील इस घर में अपने भाई के साथ रहता है। पुलिस के अनुसार बच्ची दोपहर में अपनी चाची के घर पर गई, दोनों ने साथ में खाना खाया और बाद में बच्ची की चाची ने उसे अपनी माँ के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वह सोना चाहती थी, मगर बच्ची अपनी माँ के पास नहीं गई। इसके पश्चात चाची ने उसे थप्पड़ मार दिया, फिर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। इससे चाची को गुस्सा आ गया और उसने गला घोट कर उसका कत्ल कर दिया और शव को सोफा सेट के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।